Okay, students, today we will do book 8 and it's test 1, section 1. The title of this section is A Chronicle of Timekeeping. So, let me explain you that what is chronicle. Chronicle in Urdu language, you will see sometimes people, they used to say chronic diseases. ठीक है ना, chronic diseases का मतलब पुरानी diseases. Chronic आप history के sense में लेंगे कि वक्त के मतलब यहाँ पे you will see there is one watch और उसके बाद वक्त गुजारने के लिए जो उसकी history है उसके बारे में ये passage है. तो थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे A B C D E F G H. ये H इसके H तक इसके paragraphs हैं और question number 1 to 13 है. शुरू में questions में 1 to 4 ये बताया हुआ है कि description कहाँ पे दी गई है और A to H यानी ये lines, ये discussion कहाँ हुई है और उसके बाद फिर 5 to 8 है और उसके बाद fill in the blanks है. 5 to 8 में Babylonians है, Egyptians हैं, Greeks है, English, German, French इनके बारे में है. तो अब ये जो आएंगे Babylonians, Egyptian, Greeks, English, German, French जब इनका discussion आएगी तो आपने वहाँ पे circle करते जाना है ताकि आपको पता लगे कि ये discussion कहाँ पे हुई है. चलें जी, let's start. हाँ, our conception of time depends on the way we measure it. हमारा जो concept है वक्त का ये इस पे depend करता है हम उसको किस तरह नापते हैं. According to archaeological evidences, at least 5,000 years ago, 5,000 साल पहले, and long before the advent of the Roman Empire, or Roman Empire से भी पहले, the Babylonians began to measure time. अब सर्कल लगा लें बेबीलोनियन पे, रोमन एम्पायर पे भी सर्कल लगा लें. जहाँ कोई नंबर आए, डेट आए, कोई नाम, प्रॉपर नाउन आए, वहाँ पे आपने सर्कल या अंडरलाइन कर लेना है. जी, बहुत अरसा पहले, रोमन एम्पायर से पहले, बेबीलोनियन से पहले, बिगेन टू मेजर टाइम, वक्त जो सा था उसको किसी न किसी तरीके से नापा जाता था, मेजर किया जाता था. इंट्रोड्यूसिंग कैलेंडर्स टू कोऑर्डिनेट कम्यूनल एक्टिविटीज़. जी, कम्यूनल एक्टिविटीज़ के लिए जो कोऑर्डिनेट करने के लिए जो इंट्रोडक्शन है कैलेंडर्स का. टू प्लान द शिपमेंट ऑफ गुड्स, और इस पर्पस के लिए भी कि गुड्स की शिपमेंट की जाए, और इस पर्पस के लिए भी एंड इन पर्टिकुलर ख़ास तौर पे टू रेगुलेट प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग. तो प्लांटिंग, पौधे वगैरह उगाना, फसलों के बारे में के लिए जो सा बेसिकली ये कैलेंडर्स वगैरह यूज़ किए जाते थे. अच्छा, अब कम्यूनल का मतलब यहाँ पे देख लें कि इट इज़ कम्यूनल. कम्यूनल खा साउंड के साथ कम्यूनल, दिस इज राइट प्रोनंसिएशन. और इसका मतलब ये है कि शेयर्ड और फॉर द यूज़ ऑफ अ नंबर ऑफ पीपल, स्पेशली पीपल हु लिव टुगेदर. यानी कोई बात आपने मुख्तलिफ जो इकट्ठे लोग रह रहे हैं उनमें डिस्कस करनी है, उन्हें बताना है. अ कम्यूनल किचन, अ कम्यूनल गार्डन एट्सेट्रा. एज अ स्टूडेंट ही ट्राइड कम्यूनल लिविंग फॉर अ फ्यू ईयर्स. Involving different groups of people in a community, ठीक है ना, ये communal, community से communal का वर्ड जो सा वो निकला हुआ. अच्छा, they based their calendars on 3 natural cycles. उनके जो calendars थे वो 3 cycles पे थे. The solar day, सबसे पहले solar day. अब solar day की आगे definition comma डाल के दी है. Marked by the successive periods of light and darkness as the earth rotates on its axis. जी, सूरज से मुतल्लिक है ये सोलर डे. ल्यूनर डे, डेफिनेटली ल्यूनर चांद को कहते हैं. फॉलोइंग द फेजेस ऑफ मून एंड इस ऑर्बिट्स द अर्थ. और द सोलर ईयर, सोलर डे, ल्यूनर डे, सॉरी सोलर डे, ल्यूनर मंथ और सोलर ईयर डिफाइंड बाय द चेंजिंग सीजंस दैट कंपनी और प्लैनेट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन. अब ये 3 तरह के टर्म्स हैं, ये जहाँ पे 3 टर्म्स का, 3 साइकिल्स का, इसको भी अंडरलाइन कर लें. अब ये बात हुई है बेबीलोनियंस की, 5,000 साल पहले की बात हो रही है. अब बी पैराग्राफ, अब यहाँ पे लिखें कि इब्तदा में इंसान किस तरीके से वक्त, ये ना पैराग्राफ के साइड पे आप लिख लें कि इब्तदा में वक्त जो सा वो किस तरीके से देखा जाता था या उसके बारे में उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है. बी, बिफोर द इन्वेंशन ऑफ आर्टिफिशियल लाइट. अब आर्टिफिशियल लाइट से पहले मून हैड ग्रेटर सोशल इम्पैक्ट. चांद का जो उनसे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था. एंड फॉर दोज लिविंग नियर द इक्वेटर इन पर्टिकुलर, और जो ख़त्ते इस्तवा के पास यानी इक्वेटर के पास रहते थे. इन वैक्सिंग एंड वैनिंग, वैक्सिंग वैनिंग का मतलब होता है चांद का कम होना या बढ़ना. वॉज मोर
conspicuous than the passing of the season. वो ज़्यादा important होता था इससे भी ज़्यादा कि किस तरीके से एक season जो है वो change हो रहा है. तो यहाँ पे there is one word, conspicuous. जी, इट मीन्स इज ईजी टू सी योर नोटिस, लाइकली टू अट्रैक्ट अटेंशन. ठीक है, कॉन्स्पिक्यूअस. ये शियस की आवाज नहीं, कॉन्स्पिक्यूअस. आई फेल्ट वेरी कॉन्स्पिक्यूअस इन माई न्यू कार. ठीक है ना. Easy to see or notice, likely to attract attention. जिस तरह एक word है obtrusive, उसका ये opposite है conspicuous. के जब आप उस चीज़ को इस्तेमाल करें वहाँ पर हो तो फ़ौरन आपकी attention को भी attract करे और noticeable भी हो वो चीज़. अच्छा जी, हम आगे चलते हैं. Hence the calendar that were developed at the lower latitude were influenced more by the lunar cycle than by the solar cycle. तो इसी तरीके से कि जो अच्छा जी, देर इज़ वन वर्ड, एक सेकेंड ठहर जाए ज़रा. लोअर लेटीट्यूड, अब यहाँ पे दो चीज़ें डिस्कस की गई हैं. जी वही जो मैंने आपको बताया वैक्सिंग एंड वैनिंग का. उसके बाद नीचे है कि हैंस द कैलेंडर्स, जो कैलेंडर थे दैट वर डेवलप्ड एट द लोअर लैटिट्यूड्स, जो निचले इलाकों में कैलेंडर्स डेवलप हुए, वर इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय द ल्यूनर साइकिल दैन बाय द सोलर ईयर. तो सोलर ईयर की बजाय चाँद के ऊपर ज़्यादा उनका इन्हिसार होता था. इन नॉर्दर्न क्लाइम्स हाउएवर, where seasonal agriculture was practiced, the solar year became more crucial. जी, जहाँ पे सूरज का ज़्यादा ताल्लुक था वहाँ पे सोलर ईयर जो सा था वहाँ पे था. जब भी नॉर्दर्न की बात आएगी ना तो आपने उसे ठंड जेन में रखनी है, शुमाली इलाका जात. ठीक है ना, जब भी नॉर्थ की बात हो तो वहाँ पे बर्फ़ानी इलाके और इस तरह वहाँ पे सूरज का इम्पैक्ट ज़्यादा था. एज द रोमन एम्पायर एक्सपेंडेड नॉर्थ वर्ड, इट ऑर्गेनाइज इट्स एक्टिविटी चार्ट फॉर द मोस्ट पार्ट अराउंड द सोलर ईयर. तो नॉर्दर्न जो एम्पायर थी रोमन की, जैसे जैसे वो एक्सपेंड हुई नॉर्थ की तरफ तो वहाँ पे सोलर सिस्टम की जो है वो ज़्यादा बात होने लगी. अब यहाँ पे बी में डिस्क्रिप्शन है सोलर और ल्यूनर टाइमिंग्स की, यानी कि चाँद का और सूरज का जो ताल्लुक है मुख्तलिफ इलाकों के साथ. सेंचुरीज बिफोर द रोमन एम्पायर, the Egyptians had formulated a municipal calendar having 12 months of 30 days with 5 days added to approximately the solar year. ji roman empire se pehle jo egyptians the, ab yahan pe dekhen ji egyptian ko bhi aap circle kar le. sabse pehle paragraph mein babylonians ki baat thi, yahan pe wo egyptians ki baat kar rahe hain. तो इजिप्शियंस जो से थे उन्होंने म्यूनसिपल एक कैलेंडर बनाया जिसमें 12 महीने 30 दिन और 5 दिन एक्स्ट्रा थे टू अप्रॉक्सीमेट द सोलर ईयर्स. सोलर ईयर्स के अप्रॉक्सीमेट 12 मंथ ऑफ 30 डेज थे ना, 5 दिन एक्सेप्शन रखे ना उन्होंने. हम नहीं 31 का कर देते, वो उनकी बात हो रही है ना. 5 दिन उन्होंने एक्सेप्शन रखे सूरज के हिसाब से. अच्छा जी, ईच पीरियड ऑफ 10 डेज वॉज मार्क्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ स्पेशल ग्रुप्स ऑफ स्टार्स कॉल्ड डेकन्स. अब वो जो हर पीरियड 10 दिन जो सा था वो डेकन्स के हिसाब से कुछ सितारों के साथ कोई उसकी एसोसिएशन थी. एट द राइज ऑफ द स्टार सीरियस जस्ट बिफोर सनराइज, जी सूरज के निकलने से पहले एक सीरियस तारा था वो निकलता था, विच अकर्ड अराउंड द ऑल इम्पॉर्टेंट एनुअल फ्लडिंग ऑफ द नाइल, जो कि
एनुअल फ्लडिंग होती थी, यानी सैलाब की, जब पानी काफ़ी ऊंचा होता था दरियाए नील के अंदर, उसके अंदर वो निकलता था। 12 डेकन्स कुड बी सीन स्पैनिंग द हेवंस, स्पैनिंग फैले हुए 12 सितारे जो उनसे थे, ये 12 वो जो डेकन्स थे वो देखे जाते थे, हाँ जी, आसमान पे। हेवन का वर्ड कहीं पे भी इस्तेमाल हो ना तो उसका मतलब आसमान होता है, ठीक है ना, हेवंस का मतलब आसमान। योर लॉर्ड इज़ द वन हु हैज़ क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ, ठीक है ना, कुरान पाक में भी आप इस तरह सुनेंगे इसको। अच्छा, एट द राइज ऑफ द स्टार सीरियस, अच्छा आगे बात की जा रही है कि द कॉस्मिक एनुअल फ्लडिंग ऑफ द नाइल, द कॉस्मिक सिग्निफिकेंस द इजिप्शियंस प्लेस्ड इन द 12 डेकेंड्स लेड देम टू डेवलप अ सिस्टम इन विच ईच इंटरवल ऑफ डार्कनेस। जी अब ये जो कॉस्मिक सिग्निफिकेंस है, एक सेकेंड इसका भी देखते हैं जरा। कॉस्मिक का मतलब है कॉस्मोस से रिलेवेंट है, कॉस्मिक द कॉन्सेप्ट ऑफ द यूनिवर्स, जो हमारी यूनिवर्स का है। कॉस्मिक में आल्सो रेफर टू कंटेंट्स, मीडिया, साइंस और ये वो सारी चीज़ें। अच्छा जी, उसकी जो सिग्निफिकेंस है, यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस है, इजिप्शियंस प्लेस इन द 12 डेकन्स लेट देम टू डेवलप अ सिस्टम, तो 12 डेकन्स का उन्होंने एक सिस्टम बनाया इन विच ईच इंटरवल ऑफ डार्कनेस, जिसमें हर डार्कनेस का इंटरवल जो सा था वॉज डिवाइडेड इंटू अ डजन इक्वल पार्ट, वो 12 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करते थे। दीज पीरियड्स बिकेम नोन एज टेम्परल आवर्स बिकॉज देयर ड्यूरेशन वेरीड अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग लेंथ ऑफ द डे। अब ये जो टाइम पीरियड था ये टेम्परल आवर कहलाता था। अभी टेम्परल आवर को भी सर्कल कर लें और डेकन्स के बारे में भी सर्कल कर लें और ऊपर जो उसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है 12 महीने 30 दिन, इसको भी सर्कल कर लें। समर आवर्स वर लॉन्ग, समर्स के जो उनसे घंटे थे काफ़ी लंबे थे। विंटर वंस शॉर्ट, जो सर्दियां थी वो छोटी थी। ओनली द स्प्रिंग एंड ऑटम इक्विनॉक्सेस, जी ई क्यू यू आई एन ओ कॉमनली रिगार्डेड एज द इंस्टेंट टाइम व्हेन द प्लेन ऑफ अर्थ्स इक्वेटर पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सन। जो ज़मीन के ऊपर हम लोग इक्वेटर कहते हैं, खत इस्तवा होता है एक, ठीक है ना। अब वो जब सूरज के सामने से गुजरता था तो उसको हम लोग, मतलब उन्होंने ये बताया, इक्विनॉक्स जो सा है, इक्विनॉक्स इक्विनॉक्स इज कॉमनली रिगार्डेड द इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये वक्त का वो हिस्सा है जब वो वहाँ से गुजरा करता था, यानी उस टाइम की बात की जा रही है। वर द आवर्स ऑफ द डे लाइट एंड डार्कनेस इक्वल, उसमें दिन और रात बराबर होते थे, यानी कि उन्होंने बताया कि ये जो टाइम पीरियड्स था इसमें दिन रात बराबर होते थे, सर्दियों में कम होते थे, गर्मियों में ज़्यादा, जैसे हमारे यहाँ यहाँ पे होता है। टेम्परल आवर्स विच वर फर्स्ट अडॉप्टेड बाय द ग्रीक, अब टेम्परल आवर को सर्कल कर लें और ग्रीक आ गया तीसरा, ग्रीक एंड देन रोमन्स, ठीक है, हु डिसएमिनेटेड देम थ्रू यूरोप रिमेंड इन यूज फॉर मोर देन 2500 ईयर्स। डिसएमिनेट का लिख लें, स्प्रेड है इसका मतलब, स्प्रेड वाइडली, फैला हुआ होना, स्प्रेड थ्रू आउट एन ऑर्गन और द बॉडी, उसके डिसएमिनेट वर्ब है।
Disseminate. Disseminate. In order to track temporal hours during the day, din ke duran track karna temporal hours ko, inventors created sundials, which indicate time by the length or direction of the sun's shadow. Ab din ke duran waqt ko measure karna. Jinhone ijad kiya, unhone sundials banaye, which indicate karta tha time by the length. Length ke saab se aur suraj ki direction, suraj ke shadow ki direction ke saab se. The sundial's counterpart, the water clock, was designed to measure temporal hours at night. Ab raat ke time sundial din mein hota tha aur raat ke time pani ka istemal karte the wo. Acha yahan pe ek main cheez bata dun, counterpart kehte hain hum asar. Masalan wazir azam imran khan ka jo wazir azam india hai wo imran khan ke counterpart hai, theek hai na. To agar aap principal hain to dusra koi principal wo aapki counterpart hogi. Aapke sath ke jo students hain wo aapke counterpart honge. Counterpart hum asar. Isi tarike se ek aur hai contemporary. Counterpart hota hai ke same wo rakhne wala, acha. Ek hota hai contemporary. Contemporary kehte hain hum asar ko, ke aapke zamane mein jo log paaye jaate the. Ek hota hai predecessors. Contemporary hamara zamana, aapke zamane mein jo bhi log hain wo aapke contemporary hai na. Aur ek hai predecessors. Predecessors hota hai ke jisne change kar diya, replace kiya jisne, usko predecessor kahenge. Machine bhi ke case mein bhi hota hai ke computer typewriter change ho gaya na, ab computer aa gaya. Acha ji, one of the first water clock was a basin with a small hole near the bottom through which water dripped out. Ab ye water clock ki description di ja rahi hai ke wo basin tha jisme chota sa surakh tha aur throughout water dripped out, pani katra katra bahir aata tha. The falling water level denoted the passing hour. Jo pani ka level kam ho jata tha usse kehte the waqt guzar gaya hai. It dipped below our lines inscribed on the inner surface. Ab jo line thi wo inner surface ke andar nazar aa rahi thi. Although these devices performed satisfactorily around the Mediterranean time jo sa tha wahan tak aisi devices ne kafi zyada kaam kiya. They could not always be dependent on in the cloudy and often freezing weather of northern Europe. Ab jab suraj ki jagah pe badal aa gaye to wo ghadiyan khatam ho gayi aur isi tarah barf jamna shuru ho gayi to phir bhi uska time kharab ho gaya. Ab wo aage aayega na. The advent of mechanical clock means that although it could be adjusted to maintain temporal hours, it was naturally suited to keep equal ones. Theek hai na. It was naturally. Ek aur baat ye hai ki wahan pe equal jo temporal hours hain usko equal hona chahiye. With these iske sath however arose the question of when to begin counting. Ye bhi sawal hota tha ki ginti shuru kahan se karni hai. And so in the early 14th century a number of system evolved. Ab 14th sadi mein bahut zyada system aaye. The scheme that divided the day into 24 equal parts varied according to the start of the count. Ab aage bataya ki ji 24 ginti ke sath start hote the, vary karte the. Italian hours began at sunset. Italian mein ghuroob jab hota tha suraj us waqt. Babylonians ab ye circle karte jaye. Babylonian hours at sunrise wo suraj ke badhne ki jagah pe. Astronomical hours at midday, theek hai. And greater clock hours used for some large public clocks in Germany at midnight. Abhi Germany ko bhi ab circle kar le. Eventually these were superseded by small clock. और ये ख़त्म हुए, सुपरसीड हो गए स्मॉल क्लॉक से और फ्रेंच आवर्स के साथ. विच स्प्लिट द डे इनटू 12 आवर्स पीरियड्स कमेंसिंग एट मिडनाइट. कमेंस किसको कहते हैं जी आयशा?
सारा टू बिगिन, कमेंस का मतलब होता है टू बिगिन. अच्छा एक वर्ड होता है कमेंस्यूरेट, कमेंस्यूरेट का मतलब होता है वाजिया करना, वो एक अलग चीज़ है कमेंस्यूरेट. अच्छा जी अब हम आगे हैं एफ पे. द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड वे ड्रिवन मैकेनिकल क्लॉक. अब वजन के साथ जौन सा जो शुरू शुरू में मैकेनिकल क्लॉक आया वॉज बिल्ड इन 1283 1283 में इन बेडफोर्ड शायर इंग्लैंड, इंग्लैंड के अंदर. एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट ऑफ दिस न्यू टाइम कीपर वॉज नीदर द डिसेंडिंग वेट दैट प्रोवाइडेड इट्स मोटिव फोर्स नॉर द गेयर व्हील. अच्छा जी एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट जो था इसके अंदर वॉज नीदर डिसेंडिंग वेट, वो उसका वजन नहीं था जो नीचे था जा रहा था. दैट प्रोवाइडेड इट्स मोटिव फोर्स नॉर द गेयर व्हील, ना उसके अंदर जो व्हील था वो भी था. दैट ट्रांसफर द पावर इट वॉज द पार्ट कॉल्ड एस्केपमेंट, ये वो हिस्सा था जिसको एस्केपमेंट कहते हैं. एस्केपमेंट को सर्कल लगा लें, ये इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है. इन द अर्ली 1400 ईयर्स केम द इन्वेंशन ऑफ द कॉइल स्प्रिंग. आगे एक और चीज़ आ गई जी, कॉइल स्प्रिंग की इन्वेंशन होगी और फ्यूज़ विद मेंटेन कांस्टेंट फोर्स, और फ्यूज़ की कि जिसमें कांस्टेंट फोर्स को मेंटेन किया जाता था टू द गियर व्हील, गियर व्हील के साथ ऑफ द टाइम कीपर, टाइम कीपर के साथ डिस्पाइट द चेंजिंग टेंशन ऑफ इट्स मेन स्प्रिंग, और बजाय इसके कि इसकी चेंजिंग टेंशन हो मेन स्प्रिंग के साथ. 16वीं सदी ईस्वी में अ पेंडुलम क्लॉक, एक पेंडुलम क्लॉक हैड बीन डिवाइस किया गया, बट द पेंडुलम स्वंग इन लार्ज आर्क, लेकिन वो पेंडुलम एक बड़ी आर्क के साथ झूलता था. एंड दस वॉज नॉट वेरी एफिशिएंट, इसलिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं था. अब ये बात की जा रही है कि जो आजकल के जो मिलते जुलते वो है ना 1283 1283 में, यहाँ पर हम लोग पहुँच गए. अब ये देखते हैं सबसे पहले क्या था, किस तरीके से लोग टाइम नोट करते थे. सूरज की रोशनी होती थी, चांद और सूरज होते थे, किन इलाकों में चांद सूरज थे, ये उसका ज़िक्र किया गया. फिर आगे चलते चलते पानी का ज़िक्र किया गया, सूरज की रोशनी में उन्होंने बेसिकली इजिप्शियन के अंदर मेन काम किया उन्होंने, इजिप्ट वालों ने, कि वहाँ पर डिवीज़न की उन्होंने टाइम की, कैलेंडर की, आवर्स बने, उसके अलावा साल बने, और उसके बाद फिर मज़ीद आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गए कि आप इन आवर्स के अंदर आ गए. और उसके अंदर अब हम जी पैराग्राफ में पढ़ते हैं कि क्या है. टू एड्रेस दिस, इसको एड्रेस करना, वेरिएशन ऑन ओरिजिनल एस्केपमेंट वाज इन्वेंटेड इन 1670 में. वेरिएशन टू, एक्चुअली जो पीछे लाइन है वो ये है कि पेंडुलम क्लॉक डिवाइस हो गया 16वीं सदी में, लेकिन पेंडुलम जो था वो लार्ज आर्क में एक बड़ा लंबा चौड़ा सफ़र करता था. एंड दस वाज नॉट वेरी वेरी एफिशिएंट, इसलिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं था. अब टू ड्रेस दिस, इसका मतलब है पिछला, पिछले के साथ ना इसको जोड़ रहे हैं, वो हुक स्टेटमेंट थी आखिरी. और जिस तरह हम कहते हैं ना ऑन द अदर हैंड राइटिंग के अंदर, इन दिस वे, इसी तरीके से हम लोग इसको इस्तेमाल करें. वेरिएशन ऑन द ओरिजिनल एस्केपमेंट वॉज इन्वेंटेड 1670s इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के अंदर आई वेरिएशन 1670 में. इट वॉज कॉल्ड द एंकर एस्केपमेंट. अब एंकर एस्केपमेंट आ गया, विच वॉज लीवर बेस्ड डिवाइस शेप्ड लाइक अ शिप्स एंकर. अब एक लीवर बेस्ड डिवाइस आ गई, जैसे बहरी जहाज का एंकर होता है उस तरह का. द मोशन ऑफ पेंडुलम रॉक्स दिस डिवाइस. अब जो पेंडुलम जौन सा था उसकी जो हरकत थी वो हिलाती थी इस डिवाइस को, सो दैट इट कैचेज एंड देन रिलीजेज. अब वो पकड़ती थी फिर रिलीज करती थी ईच टूथ ऑफ द स्केप व्हील, जो उसके कॉग थे, जो उसके स्केप व्हील के जो दांत थे उसको, इन टर्न अलाउंग इट टू टर्न अ प्रिसाइज अमाउंट, के वो मुनासिब अमाउंट में मूव करे. अनलाइक द ओरिजिनल फॉर्म यूज्ड इन अर्ली पेंडुलम क्लॉक्स,
अनलाइक बजाय इसके के वो जो उसके बरक्स जो कि ओरिजिनल पेंडुलम था, द एंकर स्केपमेंट परमिटेड द पेंडुलम टू ट्रैवल इन अ वेरी स्मॉल आर्क। ठीक है ना। अब जी में आप ये लिखें कि बड़े आर्क से छोटे आर्क में पेंडुलम की मूवमेंट। मोर ओवर दिस इन्वेंशन अलाउड, मजीद ये कि ये इन्वेंशन इसने अलाउ किया द यूज़ ऑफ अ लॉन्ग पेंडुलम विच कुड बीट वंस अ सेकेंड एंड दस लेड टू डिवेलपमेंट। जी, इसने अलाउ किया यूज़ ऑफ लॉन्ग पेंडुलम, लंबे पेंडुलम को भी, विच कुड बीट वंस अ सेकेंड, जो कि 1 सेकेंड में बीट करता था, एंड दस लेड टू द डिवेलपमेंट ऑफ अ न्यू फ्लोर स्टैंडिंग केस डिज़ाइन। और इस वजह से फर्श के ऊपर रखने वाला केस डिज़ाइन तैयार किया गया, विच बिकेम नोन एज ग्रैंड फादर क्लॉक। अब उसको ग्रैंड फादर क्लॉक भी कहा जाता था। आखिरी पैराग्राफ, टुडे आज हाईली एक्यूरेट टाइम कीपिंग इंस्ट्रूमेंट सेट द बीट फॉर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। उसने बीट सेट की ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की। नियरली ऑल कंप्यूटर्स कंटेन अ क्वार्टर्स क्रिस्टल क्लॉक। तमाम कंप्यूटर क्वार्टर्स क्रिस्टल क्लॉक को मेंटेन रखते हैं टू रेगुलेट देयर ऑपरेशंस। मोर ओवर नॉट ओनली डू टाइम सिग्नल्स ब्लेम डाउन फ्रॉम ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। अब टाइम सिग्नल्स जो उनसे हैं वो बीम डाउन, जीपीएस के साथ उनकी कनेक्टिविटी हुई। कैलिब्रेट द फंक्शन ऑफ प्रिसीजंस, जो कैलिब्रेट करते हैं प्रिसीजंस के फंक्शन को। नेविगेशन इक्विपमेंट भी तैयार हो गए। दे डू एज़ वेल फॉर मोबाइल फ़ोन्स, वो बेहतरीन काम करते हैं मोबाइल फ़ोन्स में। इंस्टेंट स्टॉक ट्रेडिंग सिस्टम्स के साथ, नेशनल वाइड पावर डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड्स के साथ। अब वो बता रहे हैं कि जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ किस तरीके से, जीपीएस इसमें एक मेन चीज़ है, बाकी भी चीज़ें बता रहे हैं कि कहाँ पे ग्रिड स्टेशंस के साथ और बाकी चीज़ों के साथ ये काम करें। सो इंटीग्रल हैव दीज टाइम्स बेस्ड टेक्नोलॉजी बिकम टू डे एग्जिस्टेंस दैट आवर डिपेंडेंसी ऑन देम इज़ रिकगनाइज ओनली वैन दे फेल टू वर्क। हमें उसी वक्त पता लगता है इनकी अहमियत का जब ये काम करना छोड़ देते हैं।